हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अब तक हमने देखा कि सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से वो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है और उसके साथ हम किस तरह से रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड के अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंगल फेज एज वेल एज थ्री फेज के लिए डिस्कशन कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम यहाँ पे सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर या थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को इंडक्टिव लोड के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर इंटरफेस करते हैं, तो उस दौरान जो पावर फैक्टर में चेंज आता है उसे किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। ओके, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग चार मैथड है। जब भी हम एसी टू डीसी कन्वर्टर यूज करते हैं तो इस डीसी आउटपुट को अगर हम इंडक्टिव लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस इंडक्टिव लोड की वजह से यहाँ पे करंट की वेवफॉर्म वोल्टेज की वेवफॉर्म से लेग करती है और इसकी वजह से यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर इम्बेलेंस हो जाता है। तो इस पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए मेथड है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पे करंट में लेगिंग होता है ड्यू टू इंडक्टिव लोड इसे इंप्रूव किया जा सके। ओके, तो जितनी भी हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं उसमें आउटपुट करंट को वोल्टेज से हम लीड करवाएंगे, जिससे जो आउटपुट करंट में लेग हुआ था उसे हम कंपेंसेट कर सके। और कंपेंसेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास फोर डिफरेंट मेथड है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो करंट में लेगिंग होती है इसको हम इस चार मेथड से करंट को लीड करवाएंगे, जिससे जो करंट में लेगिंग हुई थी उसे हम इंप्रूव कर सके और इससे हम पावर फैक्टर को इंक्रीज कर सके। जिसमें फर्स्ट वन मेथड है एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल मेथड, सेकंड वन है सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल मेथड, थर्ड वन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड लास्ट वन दैट इज SPWM बेस्ड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड। यहां पे जब भी हम इंडक्टिव लोड की बात करते हैं तो इंडक्टिव लोड में हमारा जो वोल्टेज है, जो आउटपुट करंट है, वो आउटपुट वोल्टेज से लेग करता है और इसी वजह से पावर फैक्टर में करेक्शन करना जरूरी बनता है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फोर डिफरेंट मेथड है जिससे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये मेथड है इसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से कौन सी मेथड से पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन मेथड है एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल मेथड, यानी कि जब भी हमारे पास कोई सिंगल फेज एसी पावर सप्लाई है, इस सिंगल फेज एसी पावर सप्लाई को हम इंडक्टिव लोड के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू एंड सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस वेवफॉर्म में हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल है, यानी कि इस मेथड में हम यहाँ पे सर्किट को दो मोड में डिवाइड करेंगे। मोड नंबर वन, मोड वन में हमारे पास जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम यहाँ पे स्विच T1 एंड D2 को कंडक्ट करवाएंगे और यहाँ पे ये जो हमारी T1 स्विच है जो कि एक थायरिस्टर है, तो इसे हम अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कंडक्ट करवाएंगे, यानी कि एट पर्टिकुलर अल्फा एंगल 0 यहाँ पे हमारे T1 स्विच है वो कंडक्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कंडक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इसीलिए हमने IG1 गेट पल्स को 0 डिग्री से स्टार्ट किया है एंड बीटा एंगल पे हम इसे टर्न ऑफ करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेचुरल कम्यूटेशन में नेगेटिव हाफ साइकिल में आपकी स्विच ऑटोमेटिक टर्न ऑफ होती है, जिसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल पल्स प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन में हम गेट पल्स को रिमूव कर देंगे और इसीलिए हमारी जो स्विच है वो टर्न ऑफ हो जाएगी। तो मोड वन में यहाँ पे हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो वोल्टेज की पोलैरिटी कुछ इस तरह से होगी और करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसे हम नोड ए बोलते हैं और इसे हम नोड बी बोलते हैं, यहाँ पे नोड सी एंड लास्ट वन नोड डी। ओके, तो करंट फ्लो होके यहाँ पे नोड ए पे आएगा, नोड ए से करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में थ्रू स्विच T1, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे हम इस स्विच को कंडक्ट करवाएंगे तो ये स्विच फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगी और यहाँ पे करंट का फ्लो यहाँ से नोड बी तक आएगा। नोड बी से करंट का फ्लो है वो लोड में जाएगा और लोड में इंडक्टिव लोड होने की वजह से यहाँ पे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी और यहाँ पे एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज होगा। तो
तो आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे 0 डिग्री से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और जब तक हम स्विच को कंडक्ट करेंगे तब तक आउटपुट वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है उसी तरीके से इंक्रीज होंगे, और यहाँ पे करंट का फ्लो लोड में नोड बी टू नोड सी इस तरह से फ्लो होगा। यहाँ पे करंट फ्लो होके डायोड डी टू के थ्रू करंट पास होगा और नोड डी से साइकिल इस तरह से हमारी कंप्लीट होगी, ओके। तो इस कंडीशन में करंट की जो पोलारिटी है वो नोड बी टू नोड सी है, यानी कि पोलारिटी जो हम आउटपुट वोल्टेज चेक कर रहे हैं उसी की पोलारिटी में करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ओके। एट अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे हमने कंडक्शन स्टार्ट किया था और हम बीटा एंगल तक इसे कंडक्ट करवाएंगे। एट पर्टिकुलर बीटा एंगल हम इस स्विच की जो गेट पल्स है उसे रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वोल्टेज मिलेगा, बीटा एंगल पर हम फोर्सफुली इसे टर्न ऑफ करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम फोर्स कम्यूटेशन का इस्तेमाल करने वाले है। तो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद पाई एंगल तक हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगा। अगर हम करंट की बात करें तो करंट यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। करंट कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा एट पर्टिकुलर एंगल बीटा, ओके। यहाँ तक हमारा करंट मैक्सिमम होगा, फिर जब यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाता है तो करंट यहाँ पे हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तो कुछ इस तरह से डिक्रीज होगा। फिर से यहाँ पे हमारी जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इस नेगेटिव साइकिल में मोड 2 हम बोलेंगे, तो मोड 2 में यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अल्फा 1 बोलते हैं तो ये हमारा अल्फा 2 होगा, कंडक्शन एंगल फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे हम पाई डिग्री पे कंडक्शन स्टार्ट करवाएंगे, ओके। तो पाई डिग्री पे हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ओके। तो इस दौरान जो करंट की डायरेक्शन होगी ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पोलारिटी अभी ऑपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो करंट का फ्लो यहाँ से स्टार्ट करके फर्स्ट आएगा डी नोड पे। डी नोड पे आके करंट यहाँ पे T2 स्विच के थ्रू पास होगा, तो यहाँ पे T2 स्विच को हम पाई एंगल पे कंडक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो गेट पल्स है वो पाई डिग्री से स्टार्ट होगा, ओके। और यहाँ पे ए स्विच कंडक्ट होगी, यानी कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आएगा, स्विच फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आएगा और यहाँ पे लोड के थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा डायोड है वो डायोड रिवर्स बायस में रहेगा, तो करंट यहाँ से फ्लो होके नोड सी तक आएगा। नोड सी से करंट डायोड D1 के थ्रू यहाँ पे नोड A तक पहुंचेगा और यहाँ से इस तरह से हमारी लूप कंप्लीट होगी, ओके। तो करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा। पाई एंगल पे आपको फिर से आउटपुट मिलना स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें करंट की डायरेक्शन सिमिलर है, यानी कि आपको करंट सेम डायरेक्शन में मिला तो आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और पॉजिटिव करंट आपको कुछ इस तरह से आउटपुट वोल्टेज देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। एट बीटा 2 एंगल, फॉर एग्जांपल इसे हम बीटा 1 बोलते हैं, तो ये बीटा 2 एंगल पे हम स्विच 2 थायरिस्टर 2 को टर्न ऑफ करेंगे, तो यहां तक हमें आउटपुट वोल्टेज मिलते रहेंगे इन मोड 2। मोड 2 में यहां पे आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएंगे और पाई 2 पाई तक आउटपुट 0 रहेगा, ओके। तो यहां पे हम करंट की बात करें तो करंट हमारा यहां से फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा और कुछ इस तरह से करंट फिर से इंक्रीज होगा। फिर से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 0 हो गए हैं तो करंट कुछ इस तरह से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर आप कंडक्शन एंगल को थोड़ा कैलकुलेशन के साथ सेट करते हो तो आउटपुट करंट आपका है वो आउटपुट करंट आइडियली आपको यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलेगा, यानी कि कंटिन्यूअस करंट मोड आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपके इंडक्टिव लोड में जो करंट वोल्टेज से लैग कर रही थी वो यहाँ पे अभी लीडिंग हो जाएगी, यानी कि आपके जो पावर फैक्टर में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अभी यहाँ पे कंपेंसेट हो सकती है, ओके। पहले क्या होता था, हमारे जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो करंट से लीड करती थी, यहाँ पे करंट वोल्टेज से लीड करेगा तो यहाँ पे कंपेंसेशन हो जाएगा और आपका पावर फैक्टर फिर से यूनिटी हो सकता है। नेक्स्ट वन मेथड है, उसमें सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल मेथड उसे बोला जाता है। सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल में हमारे पास जो अल्फा एंगल है और कंडक्शन एंगल है उसमें यहाँ पे अल्फा 1 एंड बीटा 1 एंगल है, जिसमें अल्फा 1 को हम 0 लेस देन अल्फा 1 लेस देन पाई बाय 2 में सेट करेंगे, और बीटा एंगल जिसे हम फोर्सफुली कंडक्ट कम्यूटेशन एंगल भी बोल सकते हैं उसकी वैल्यू हम पाई बाय 2 से लेके बीटा 1 से
पाई तक रखेंगे, यानी कि जो हमारा जो कंडक्शन एंगल है वो कंडक्शन एंगल 0 to 90 degree में रहेगा, और जो फोर्स कम्यूटेशन एंगल है उसकी वैल्यू हम पाई बाई टू से लेके पाई में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो ये एंगल है वो जीरो से ज्यादा रहेगा फॉर कंडक्शन एंड कम्यूटेशन के लिए पाई बाई टू से ज्यादा एंड पाई टू पाई से कम रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका कंडक्शन है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मोड वन में अल्फा इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 30 degree रखते हैं, तो 30 degree पे आपकी T1 स्विच है वो कंडक्ट होगी, तो यहाँ पे करंट का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से लोड में जाएगा और लोड में करंट की डायरेक्शन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, यहाँ से करंट का फ्लो डायोड D2 के थ्रू यहाँ से कुछ इस तरह से फ्लो होगा और बीटा एंगल तक यहाँ पे आपको कंडक्शन देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से आपको यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिलने स्टार्ट होंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से बीटा एंगल तक मिलते रहेंगे। एट बीटा एंगल हम यहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारा जीरो हो जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 0 to α1 आपको आउटपुट नहीं मिलता है, और फिर यहाँ पे β1 to π degree तक आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में स्टार्टिंग में आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर बीटा एंगल फॉर एग्जांपल बीटा एंगल हम यहाँ पे 120 डिग्री का यूज करते हैं या फिर 150 डिग्री का यूज करते हैं, तो उस दौरान आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम बीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ से करंट इंक्रीज होगा कुछ इस तरह से, यहाँ से करंट इंक्रीज होके मैक्सिमम होगा, जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उस दौरान आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जीरो देखने को मिलेंगे एट पर्टिकुलर बीटा वन एंगल। बीटा वन एंगल से आपकी वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो गई है तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि जो लोड में एनर्जी स्टोर हुई है वो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू रिलीज होगी, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इट इज उसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से यहाँ पे करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, वोल्टेज जीरो हो गए है लेकिन करंट जीरो नहीं होगा। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी तो नेक्स्ट हाफ साइकिल से यहाँ पे पाई प्लस अल्फा वन एंगल से आपको कंडक्शन मिलना स्टार्ट होगा, तो पाई प्लस अल्फा एंगल पे आपको फिर से यहाँ पे कुछ इस तरह से कंडक्शन मिलेगा, और पाई प्लस बीटा वन एंगल, यहाँ पे पाई प्लस बीटा वन एंगल इसे हम मोड टू बोलेंगे, तो मोड टू में पाई प्लस बीटा वन एंगल तक आउटपुट वोल्टेज मिलते रहेंगे, फिर आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएंगे, तो इस तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे, और उस दौरान फिर से करंट इंक्रीज होगा और यहाँ पे फिर से मैक्सिमम होगा, फिर से यहाँ पे करंट डिक्रीज होगा, तो इस तरह से आप आउटपुट करंट कंटिन्यूअस मिलता रहेगा, और इसी वजह से यहाँ पे फिर से वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है वो करंट से लीड करेगी, और इसकी वजह से जो पावर फैक्टर में करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन हो जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक आइडियल मेथड है जिसमें सिमेट्रिक एंगल का यूज किया जाता है, जिस तरह से हमने प्रीवियस केस में अल्फा वन को जीरो से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम अल्फा को 30 degree या 60 degree से स्टार्ट करेंगे, और बीटा की वैल्यू हम 150 या 120 रख सकते हैं। मोड टू में हम यहाँ पे लिखे तो मोड टू में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस अल्फा वन, देन बीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस बीटा टू या बीटा वन। तो इस तरीके से यहाँ पे सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल मेथड में पावर फैक्टर का करेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट वन मेथड है वो है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मेथड। यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है, इस इनपुट सिग्नल को पहले फुल वेव आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इसे एक रेक्टिफायर के थ्रू, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के थ्रू पास किया जाता है, और इसको फुल वेव अनकंट्रोल आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ये जो हमारी वेव फॉर्म है वो अभी आफ्टर रेक्टिफिकेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें फुल वेव आउटपुट आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है गेट पल्स। गेट पल्स जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोल सर्किट का इस्तेमाल होता है जिसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन किया जाता है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट DC वोल्टेज के साथ एक ट्राइंगुलर वेव फॉर्म को कंपेयर करवाया जाता है। इन दोनों की कंपैरिजन से आपको कुछ इस तरह के पल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो ये हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाले गेट पल्स मिलते हैं उससे हम स्विचिंग करवाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट में कुछ इस तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा।
फिर से यहाँ पे स्विच कंडक्ट होगी तो आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, फिर यहाँ पे स्विच बंद हो गई, फिर से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे कुछ इस तरह से। तो आउटपुट वोल्टेज में आपको एक ही साइकिल में मल्टीपल टाइम स्विच ऑन होने की वजह से मल्टीपल कुछ इस तरह के पल्स मिलेंगे, ओके। ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल हुई। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल इस तरह की पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिलती रहेगी। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल एज वेल एज इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, आपको कुछ इस तरह की यहाँ पे मल्टीपल पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से लीड करेगा, जिसकी वजह से हम पावर फैक्टर को करेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वन मेथड, दैट इज साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेस्ड मेथड, जिसमें हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है इस आउटपुट वोल्टेज में स्विचिंग की जो पल्स विड्थ है उसे वेरी किया जाता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोल सर्किट होती है जिसमें सॉटूथ वेवफॉर्म या फिर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट के साथ कंपेयर करवाया जाता है, और इससे हमें कुछ इस तरह के गेट पल्स मिलते हैं। इस गेट पल्स से अगर हम स्विचिंग करवाएंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें जो पल्स की विड्थ है वो कंटिन्यूअस वैरी होती है, और इसी वजह से आउटपुट वोल्टेज में इस तरह से आपको जो पल्स मिलते हैं उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो हमारा जो करंट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एवरेज करंट देखने को मिलेगा, यानी कि जो आउटपुट करंट है वो आउटपुट करंट आपको यहाँ पे वोल्टेज से लीड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम जब भी इंडक्टिव लोड यूज करते हैं तो उसमें जो करंट का लेगिंग था वो इस मेथड से हम लीडिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेस्ड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड। यहाँ पे ये जो हमारे पास साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर सिंपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेस्ड मेथड है, इसमें जो पावर फैक्टर का करेक्शन देखने को मिलता है वो हमने जो फर्स्ट दो मेथड यूज की थी एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल मेथड एंड सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल मेथड, उन दोनों से ज्यादा यहाँ पे अच्छा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जब हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्विच है वो स्विच एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में मल्टीपल टाइम ऑन एंड मल्टीपल टाइम ऑफ होती है, उससे यहाँ पे हार्मोनिक्स इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे जब हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारे पास जो आउटपुट है उसमें लोअर हार्मोनिक्स ऐड होते हैं, और जो हमारे पास साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसमें आपको फिफ्थ हार्मोनिक ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका एक और डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे स्विच है वो मल्टीपल टाइम ऑन एंड मल्टीपल टाइम ऑफ होती है, इसकी वजह से यहाँ पे लॉसेस इंक्रीज होते हैं। और साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को जनरेट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स सर्किट यूज होती है ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो किस तरह से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस ऑन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।